अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। TV30 इंडिया के समस्त दर्शकों का स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम धर्म चक्र में। मैं गौरव वशिष्ठ, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशियों के विषय में। जानते हैं आपके इस सप्ताह राशि क्या कहती है। मेष राशि वाले जातक, मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी सप्ताह है। धन आदि व्यापार आदि के कार्य सभी आपके पूर्ण होंगे तथा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष कर ख्याल रखें। कुछ प्रारब्ध योग के कारण, आपके प्रारब्ध योग के कारण या आपके पूर्व संस्कारों के कारण सुखद या दुखद स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह देव दर्शन का सप्ताह है। देव दर्शन की स्थिति बनेगी, सुखद व दुखद स्थिति का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। कुछ कार्यों में आपके प्रेम आदि के संबंधों में मधुरता आएगी। सारे कार्य इस सप्ताह आपके पूर्ण होंगे। कुछ कार्यों में आपके हानि के भी योग हैं, शारीरिक कष्ट के भी योग हैं तथा मित्र आदि संबंधों में विशेष कर अपना ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ अपयश का सप्ताह है। कुछ अपयश आपको प्राप्त हो सकता है, कहीं अपमान की स्थिति बन सकती है। हस्ताक्षर के कारण, आपके साइन के कारण कोई विवादित स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रु ग्रह होने के कारण, शत्रु ग्रहों की दृष्टि होने के कारण आप कुछ ऐसे झंझटों में फंसेंगे जो कि आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अकारण ही विवादित स्थिति बन सकती है इस सप्ताह आपके साथ। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपका सप्ताह बहुत ही उत्तम और अच्छा यह सप्ताह है। आपको विशेषकर कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपके नए कार्यों में भी वृद्धि होगी। यदि अगर आप विद्या का अध्ययन करने वाले हैं तो आपको विद्या का भी विशेषकर लाभ प्राप्त होगा। यदि अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा तथा यदि अगर आपके कार्यों में कुछ विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो इस सप्ताह आपका जो बुध है वो कारक है। यदि अगर आप किन्नरों को हरी चूड़ी, किन्नरों को यदि अगर आप हरी चूड़ी या हरा वस्त्र यदि दान करेंगे तो यह सप्ताह आपका और विशेष लाभकारी सप्ताह साबित होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी, धन आदि आर्थिक स्थितियों के लिए विशेष लाभकारी सप्ताह है। यदि इस सप्ताह यदि आप कोई टेंडर डालेंगे या कि कोई लॉटरी आपने डाली है तो इस सप्ताह आपके अवश्य ही उसका शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक पद की भी आपकी कोई घोषणा हो सकती है। विद्यार्थी जीवन वाले सिंह राशि वाले जातकों के लिए, विद्यार्थी जीवन जीने वाले सिंह राशि वाले जातकों को विशेष ही लाभ प्राप्त होगा। इससे आपको विशेष स्थितियों को तथा विशेष धन आदि का लाभ प्राप्त होगा आपको। कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ असंतुष्टिजनक रहेगा। पति पत्नी विवादित स्थितियाँ बनेंगी तथा कुछ कार्यों में विशेष संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए नौकरी आदि व्यापार से भी अरुचि के कारण आपका मन तनावपूर्ण स्थिति में रहेगा तथा खाने पीने वाली वस्तुओं का भी विशेष कर ख्याल रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए कला आदि में आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। यदि अगर आप में स्वयं का कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट का आप प्रयोग करें। इस सप्ताह आपका टैलेंट आपके विशेष कर काम आने वाला है। वाहन आदि से सचेत रहें, जान पर भी बीत सकती है। विशेष कर स्थितियों का ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं तथा आपका आर्थिक पक्ष विशेष कर मजबूत होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह नौकरी करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार की रिश्वत ना लें, नौकरी संकट में आ सकती है। व्यापार आदि में लाभ रहेगा लेकिन सोना चांदी लोहा आदि से जुड़ा हुआ कष्टकारी साबित होगा तथा कुछ चीज़ों में आपको विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। यदि अगर आप वस्त्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह सप्ताह विशेष कर लाभकारी सप्ताह साबित होगा आपके लिए। धनुराशि वाले जातक, धनुराशि वाले जातकों के लिए शारीरिक कष्ट, धर्म हानि आदि के योग बन रहे हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति को
यदि अगर आप किसी कार्य को बनाना चाहते हैं तो किसी को भी ना बताएं, अकारण ही विवादित स्थिति भी बन सकती है। करने वाले, द्वेष करने वाले, आपके कार्य से जलने वाले आपको अधिक हानि पैदा कर सकते हैं तथा या फिर उनके साजिश के आप शिकार हो सकते हैं। विशेषकर आप अपना ख्याल रखें और अपनी मनगणना किसी को ना बताएं कि आप कल क्या करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले जातक, मन वाणी से आप अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। वाणी की चतुरता आपके कार्यों को सिद्ध करने में आपको सहयोग करेगी। कुछ कार्य में आप अपने विशेष चतुरता के कारण स्वयं ही आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। व्यापार आदि में यदि अगर आप वाहन का व्यापार करना चाहते हैं इस सप्ताह, तो वाहन को न क्रय करें न विक्रय करें, इससे आपको हानि हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मनोबल के लिए बहुत ही अच्छा है। आपका मनोबल बढ़ेगा, सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, लेकिन आपकी क्रोध की स्थिति बनी हुई है। इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, अकारण ही बातों में आपको अधिक क्रोध आएगा। कुछ स्थितियों में मनमुटाव की भी स्थिति रहेगी, स्वयं से भी आप कुछ विशेष लाभ महसूस नहीं करेंगे तथा आप भी किसी साजिश के शिकार हो सकते हैं। विशेषकर आप अपना ख्याल रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए अचानक दुखद स्थिति पैदा हो सकती है, मानसिक स्थिति पर भी कई गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। गुरु विशेष स्थिति पर होने के कारण आपको कुछ लाभ पैदा करेगा, शनि आपको किसी प्रकार की हानि भी स्थिति पैदा कर सकता है तथा किसी भी वाहन से आपको चोट लगने की स्थिति बन सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष का ध्यान रखें तथा आपको यह सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी होगा और विद्यार्थियों के लिए विद्या में यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। यह था आपकी साप्ताहिक राशियों का फलादेश। यदि अगर आप हमें अपना भविष्य जानना चाहते हैं हमसे, या आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यदि अगर आप हमें कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो वह भी लिखकर आप मेल कर सकते हैं। और यदि अगर आप हमारे चैनल को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए अब इजाज़त। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।